जो लास्ट क्वेश्चन है बाद में पूछूंगा, पहले उसमें अगर जैसे हमसे कमीशन कहते हैं हाइपोथेटिकली मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर आप इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या आप प्रियंका गांधी के अपोजिट चांस यू वुड बी एबल टू स्टैंड? मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी, क्योंकि आई रियली डोंट थिंक सो मीट, बिकॉज आई हैव नो रीज़न नॉट टू, बिकॉज एम आई कंसर्न अबाउट द कंट्री? आई एम एब्सोल्युटली कंसर्न, लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, चार लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट? लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप अनाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के पीआर ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा था, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो एडवांस हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच सुमित. हाँ जी, मैं मनाली में हूँ. भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में इंजॉय किए करें, दारू पिए. क्या क्या गिफ्ट आई वांट? आई थिंक देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं. देखिए हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी, तो आप देखिए हम लोग कितना अब हमारे देश की पर्सनैलिटी आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है, जब उससे भी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी बन गई. आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, यू नो. सपोज अगर हम लोग इंडिया इज़ बेस्ट इन द ग्लोब, सो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब, यू विल बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ. और क्या चाहिए? All of you, both of you. Ma'am, one more. Let me. Ma'am, go. सेंटर यहाँ पे. मैम यहाँ पे. मैम लोग मैम यहाँ पे. मैम लोग थैंक यू मैम, थैंक यू.